हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नुपुर दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबको फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों ने ग्रीन टी के बारे में बताऊंगी, ये ग्रीन टी के क्या फ़ायदे हैं, इसे कैसे इंटरेस्टिंग किया जा सकता है और ये किन को पीना चाहिए और किन को नहीं पीना चाहिए, ये मैं बताऊँगी। और मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस, मैंने जो इससे बेनिफिट मुझे मिला है, ये सब छोटी छोटी बातें आप लोगों को आज शेयर करूँगी। मेरे आज 2-3 साल पहले ना बहुत ज़्यादा एक्ने और पिंपल्स निकलते थे फेस में, तो मैं बहुत ओरिड होती थी कि कैसे मेरे इसको पिंपल्स को दूर करें, क्या करूँ, कई क्रीम लगाती थी, कुछ करती थी, पर किसी में कुछ मुझे आराम नहीं मिल पा रहा। फिर मेरे को मैंने ये ग्रीन टी पीना शुरू किया और ऑलमोस्ट मैं 1 ईयर से आज ग्रीन टी पी रही हूँ। तो ग्रीन टी पीने से मुझे, मैं देख रही हूँ कि मेरे ये पिंपल्स दाने एकदम बिल्कुल चले गए हैं, टचअप मेरे स्किन भी अब अच्छे होने लगे हैं। तो मैंने जो फायदा मुझे जो हुआ है, वही मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबों को इन फायदे के बारे में शेयर करूँ। तो किन को लेना चाहिए, जो डायबिटिक पेशेंट है वो ले सकते हैं, उनको बहुत आराम देगा, उनको ब्लड शुगर लेवल बहुत कंट्रोल में आ जाएगा। जिनको बीपी हाई रहता है या बहुत ज़्यादा जो टेंशन में रहते हैं या कोलेस्ट्रॉल जिनको बढ़ा रहता है, ये भी ग्रीन टी पी सकते हैं। अच्छा, ग्रीन टी जिनको वर्कआउट जो करते हैं, जिम वगैरह में जाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होती है। जिनको स्किन, वो तो मैंने खुद अपने लिए ही बोला कि मेरे भी स्किन में बहुत फायदा दिया है, स्किन को ग्लोइंग, जल्दी एज ना दिखे, आपके स्किन में रिंकल ना पड़े, ऐसे इसके लिए भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देता है अगर ग्रीन टी आप लगातार पीते रहें। अच्छा, किन को नहीं पीना चाहिए, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको नहीं पीना चाहिए, छोटे बच्चे भी ना पिए इसको। अच्छा, ये कब पीना चाहिए ग्रीन टी, स्पेशली मैं बोलूँगी लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि खाली पेट पीना चाहिए, पर बिल्कुल नहीं, खाली पेट बिल्कुल नहीं पीना चाहिए इसको। आप ब्रेकफास्ट के बाद, एक ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद लीजिए, फिर आप इसको लंच के 1 घंटा पहले ले सकते हैं या शाम के 4 बजे के आसपास भी आप एक बार ले सकते हैं। रात को भी अगर अवॉइड करें तो बेटर रहता है, क्योंकि चाय, ये भी तो एक चाय ही है ना, और रात को आप लेंगे तो बहुतों को इसकी नींद में परेशानी आती है, तो शाम के समय ना ले तो ज़्यादा बेटर है। ये इवनिंग के 4-5 बजे तक ले लीजिए, ले सकते हैं। और लोगों को ये भी एक होता है कि मेरा वजन कम करना है इसलिए ग्रीन टी पीना है, तो ग्रीन टी पीने के लिए दिन में कई बार पी चुकते हैं ग्रीन टी, पर ऐसे की जरूरत नहीं है, आप दिन में 2 बार ही काफी होता है, बहुत ज्यादा भी लेने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, इसको इंटरेस्टिंग बनाने के कैसे, वो मैं आपको रेसिपी बता दे दूंगी कि कैसे इसकी इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो चलिए इसका रेसिपी आपको बताते हैं कि कैसे इसको इंटरेस्टिंग किया जा सकता है। चलिए मैं आज आपको ग्रीन टी कैसे इंटरेस्टिंग हो सकती है वो बताती हूँ। पहले तो क्या करेंगे ना, गैस में पानी को खौलते हुए लेंगे, जैसे खौल जाए तो उसमें ये दालचीनी का टुकड़ा क्रश करके या कूट के आप उसमें डाल दीजिए। अब इसमें अदरक डाल दीजिए घिस के, अब आप गैस बंद कर दीजिए और इसमें 1 कप अगर है तो 1/2 चम्मच ग्रीन टी दे के ढक दीजिए। गैस से उतार के कप में ले लीजिए। अब इसमें 4-5 बूंद, ज्यादा नहीं, 4-5 बूंद नींबू का रस डाल दीजिए। अब इसको कप
कप में छान लीजिए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो उसमें एक चम्मच हनी मिला दीजिए। आप टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा भी मिला सकते हैं, पर अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो बिल्कुल उसमें हनी ना मिले, सिर्फ नींबू मिला के छोड़ दीजिए। देखिए ये ग्रीन टी बनके तैयार होके आई है और ये देखने में भी कितना सुंदर लग रही है और पीने में भी इतना इंटरेस्टिंग है। तो आपको मतलब ग्रीन टी पीने में दो चार दिन बाद ही मन में हुआ था कि अरे आप पीने में नहीं लगा, अच्छा लग रहा, पर ये जब आप पीना शुरू करेंगे तो लगेगा कि नहीं रोज वो टाइम एकदम जो फिक्स टाइम होता ना कि सुबह का ब्रेकफास्ट के बाद रहेगा नहीं पीना ही है, फिर शाम को भी लगेगा कि नहीं पीना ही है। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप इस ग्रीन टी को पीजिए। थैंक यू, बाय।